और इस राउंड की जो एंडिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत ही धमाकेदार तरीके से हुई है, और स्कॉटलैंड वर्सेस यूएसए का बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच कल रहा, और जिसमें यूएसए को एक बेहतरीन जीत मिली है, लेकिन जीत जो है वो काफ़ी सारे उतार चढ़ाव के बाद आई है। ये मैच बहुत बार इधर उधर इधर उधर पेंडुलम की तरफ घूमा है, लेकिन एट द एंड यूएसए लाइन क्रॉस करने में कामयाब रहा, और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना अपनी जो पोजिशन है वो जस्टिफाई कराई है कि वो इनकन्सिस्टेंट होने के बावजूद भी क्यों उनकी जगह टीम में बनती है, वो कौन प्लेयर्स हैं आगे आपको जरूर बताएंगे। स्कॉटलैंड ने कल पहले बैटिंग करने का फैसला किया और शुरू के 10 ओवर में ही कहीं ना कहीं यूएसए या फिर आप कहें कि स्टार बॉलर ने ये दिखा दिया कि हम इस राउंड पे इस मैच में डोमिनेट करते हुए नजर आ सकते हैं। शुरू के 10 ओवर में क्या हाल रहा है? बिल्कुल, और शुरू के 10 ओवर में ही काफी प्रेशर स्कॉटलैंड पे आ गया और 31-2 उनका स्कोर था जो रीड कर रहा था 10 ओवर के बाद, और दोनों ही ओपनर वापस पवेलियन में जा चुके थे, क्वाइटजर और वॉलेस दोनों के दोनों ही, और रन्स बने नहीं, सिर्फ 31 रन और 2 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर के बाद, जिसमें कि दोनों सौरभ ने ही स्टार्टिंग में ही ब्रेक थ्रू टीम को दिला दी। बिल्कुल, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 2 विकेट अगर गिरे भी थे तो कम से कम अगर 55 रन के आसपास होते, रन भी ज्यादा होते तो हम कह सकते हैं चलिए कुछ रन जोड़ कर गए हैं, रन भी नहीं जुड़े और उसके बाद 2 विकेट भी चले गए, बड़े विकेट चले गए, कॉलेज जो अच्छे रन बटो रहे थे टीम के लिए, और कॉल कैटर नाम काफी बड़े हैं, 31 रन पर 2 विकेट, ये पहले 10 ओवर के सेशन में था। यहाँ पर टीम डोमिनेट करती नजर आ रही थी, लेकिन 11-40 ओवर के बीच में भी यूएसए ने इस मैच में पकड़ नहीं खोई, लेकिन एक तरफ से एक ऐसे थे जो धीरे 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 आगे बढ़ रहे थे, जिसका अंदाजा जो है वो यूएसए को नहीं लग पा रहा था, लेकिन यूएसए ने विकेट जरूर बीच में चिपिंग जरूर करते गए। बिल्कुल, और ये पूरे इस फेस को पूरी तरीके से 5वें ओवर में आए, जिन प्लेयर की हम बात कर रहे हैं मैकलियॉट की, और 5वें ओवर में आए और पूरा फिनिश करके गए 50 ओवर तक गए, लेकिन फिलहाल इस बीच बात करें मिड फेस की, 11-40 ओवर की बहुत ही बुरा हाल था स्कॉटलैंड का, 175-7 विकेट 40 ओवर में ये स्कोर था 40 ओवर तक, जिसपे 144 रन उनके बने और 5 विकेट गिरे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा स्कोर भी इतना नहीं था, रन जरूर बने हैं लेकिन जितने भी बने हैं ये पार्टनरशिप हुई लीस्क और आपके मैकलियॉट के बीच, ज़बरदस्त इनिंग, वन एंड ओनली हीरोइक इनिंग खेली है मैकलियॉट ने, लगातार सेंचुरीज वो कर रहे हैं और फिर से उन्होंने शतक मारा है, और 175-7 40 ओवर के बाद ये स्कोर था स्कॉटलैंड का। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसी राउंड में क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के 2 सेंचुरी जो है वो अब तक लगा चुके हैं, 70 पे 5 रहे हैं स्कॉटलैंड। उसके बाद लास्ट के जो 10 ओवर है उसमें जितने भी रन आए, कहना होगा कि बहुत बेहतर यहाँ पर काम करने में कामयाब रही स्कॉटलैंड, जो भी लास्ट के 10 ओवर का फेस था। बिल्कुल, और लास्ट के 10 ओवर में क्रेडिट पूरा जाता है मैकलियॉट को, कोई था नहीं, किसी ने भी साथ नहीं दिया नीचे, आप लोअर ऑर्डर की बात करें या कोई बॉलर से भी कोई आया, साफियान शरीफ ने जरूर 25 रन मारे हैं पर मैकलियॉट नॉट आउट गए हैं, और 74 रन बने हैं आखिरी के 10 ओवरों में और एक ही विकेट गिरा है सिर्फ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा उन्होंने खेला, खुद ज़्यादा स्ट्राइक ली है, और साफियान ने भी जो भी रन बनाए हैं उन्होंने भी कॉन्ट्रीब्यूट जरूर किया है, तो 74 रन आखिरी के 10 ओवर में बने और 249/8 50 ओवर के बाद, जिसमें कि 133 रन मैकलियॉट के, खूबसूरत इनिंग उनकी रही और 10वां शतक उन्होंने अपने स्कॉटलैंड के लिए जड़ दी। बिल्कुल, एक चीज और देखने वाली बात है कि 70 रन पर 5 विकेट थे स्कॉटलैंड के, यानी 5 विकेट खोकर टीम सिर्फ 70 रन जुटा पाई थी और लास्ट के 10 ओवर में 74 रन जुटाए और सिर्फ 1 विकेट गिरा था, यहाँ पर कहीं ना कहीं फिनिश करने में स्कॉटलैंड कामयाब रही और अपर हैंड स्कॉटलैंड यहाँ पर लेकर जा सकता है, लेकिन 249 रन क्या काफी थे यूएसए के जो टॉप ऑर्डर की सॉलिड जो फॉर्म उस वक्त चल रही है बैट्समैन की उसके सामने, ये देखने वाली बात जरूर थी। बॉलिंग डिपार्टमेंट में आया क्या हाल रहा यूएसए के? नहीं, जरूर बॉलिंग डिपार्टमेंट ने अच्छा जरूर किया है, सौरभ ने 2 विकेट लिए हैं 54 रन देकर, वहीं पर यंग हॉलैंड ने बेहतरीन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई है, 10 ओवर में 28 रन दिए हैं और 3 विकेट उन्होंने निकाले, जबरदस्त बॉलिंग हुई है, स्टीवन टेलर ने भी 2 विकेट लिए, इकोनॉमिकल रहे हैं बॉलर जरूर, लेकिन कैलम मैकलियॉट और जो 2 कॉन्ट्रीब्यूशन हुए साफियान 1 और लीस 2, इन दोनों की तरफ से यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा अगर चढ़ाव हो पाता है यूएसए की बॉलर्स की तरफ से, पर वहाँ बैटिंग का थोड़ा सा क्लास देखने को मिला हमें, मैकलियॉट और लीस के बीच एक पार्टनरशिप हुई और उसके बाद लास्ट में जो मैकलियॉट ने फिनिश किया वो मैकलियॉट की तारीफ है, मैकलियॉट की इनिंग की वजह से ही स्कॉटलैंड 250 पहुँच पाया 250 तक,
वरना वो आउट हो जाते तो शायद 200 में भी मुश्किल हो पाता। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं दो दो तीन रनआउट्स भी छूटे हैं यूएसए की तरफ से, तो उसका भी कहीं ना कहीं फायदा टीम को जरूर मिला है। और 6 रन पर जो मैकलम मैकलॉड है वो बोल्ड हो गए थे और वो बॉल नो बॉल थी, तो वहां पर कहीं ना कहीं फायदा। उसके बाद 127 रन कैलम मैकलॉड ने जोड़ दिए। खैर, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा लाइन पैर वैर का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। 249 रन चेस करने थे यहाँ पर यूएसए को, 250 रन चेस करने थे यूएसए को। यहाँ पर बैटिंग काफी स्ट्रांग रही है अगर हम हाल फिलहाल की बात करें। शुरू के 10 ओवर में क्या यूएसए ने दिखाया कि नहीं हम चेस की तरफ बिल्कुल सही बढ़ रहे हैं, या फिर शुरू के 10 ओवर में हाल थोड़ा खराब? नहीं, बिल्कुल हाल खराब था ही। आप ये कहेंगे कि बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही थी स्कॉटलैंड की, 10 ओवर में 28 पे 1 ये स्कोर था यूएसए का। काफी प्रेशर में जरूर थी स्कॉटलैंड की बॉलिंग ने, काफी प्रेशर बना के रखा हुआ था और ये प्रेशर माउंट हो रहा था आने वाले बैट्समैन्स के लिए। तो शुरुआत जो है स्कॉटलैंड ने बहुत अच्छी की, विकेट नहीं मिला पर रन्स आप भी देखिए रन्स भी नहीं बने, 28 रन बने सिर्फ 2.8 की इकोनॉमी के साथ, लेकिन विकेट नहीं मिला था। ये यूएसए के लिए अच्छी खबर थी और रन नहीं बना वो स्कॉटलैंड के लिए अच्छी खबर। बिल्कुल, पहले आप कंपेयर करेंगे स्कॉटलैंड के खिलाफ तो वो 31 पे 2 थे, ये 28 पे 1 थे। 3 रन जरूर कम थे लेकिन एक विकेट बचा के रखा था वो भी टॉप ऑर्डर में से, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात जरूर थी। उसके बाद आज ये टर्न अराउंड कब हुआ, क्या 11 से 40 ओवर के बीच में दिखने लगा था कि यूएसए अब कमांडिंग पोजिशन पे जा रहा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ये वो टाइम था जहाँ स्कॉटलैंड से बेहतर जरूर करने की कोशिश की यूएसए ने। आप देखिए 177 for 4 ये स्कोर रहा 40 ओवर तक। इस बीच मोनार्क और एरॉन जो हर बार सेवियर बनते हैं टीम के लिए, उन्होंने इस बार भी सेवियर का काम किया और दोनों ने बेहतरीन हाफ सेंचुरी जमाई। सॉरी थोड़ा खांसी जरूर है, पर इसी बीच बेहतरीन पार्टनरशिप हुई इनके बीच और इन दोनों ने हाफ सेंचुरीज की। स्कॉटलैंड के बॉलर्स को विकेट नहीं लेने दिया, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत था पार्टनरशिप का वो यहाँ पर इन दोनों ने करके दिया और 149 रन बने इस 149 रन बने और सिर्फ 3 विकेट गिरे हैं, जो कि सबसे क्रूशियल चीज़ थी इस बड़े फेस की जहां आपने विकेट नहीं गिरने दिया और रन्स भी आपने 150 रन करीब करीब बनाना। बिल्कुल, आप खुद देखिए कि 40 ओवर में स्कॉटलैंड के 175 पे 7 विकेट थे और इनके 4 विकेट थे, यानी यूएसए जो चीज चाहिए थी लास्ट में आपको 7-8 के आसपास रन रेट से चेस करने के लिए वो था विकेट, और विकेट टीम ने बचा के रखे थे, वो भी वो विकेट्स जो कहीं ना कहीं हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद यार अगर हम बात करें लास्ट के 10 ओवर के फेस में ऐसा क्या हुआ कि मैच जो है वो आखिरी के 1 ओवर में 15 रन की लीड के साथ कहीं ना कहीं फिनिश हुआ? नहीं, जरूर देखिए अब उसके बाद थोड़े विकेट जरूर गिरे लगातार, जब आखिरी के 10 ओवर का मैच आया, जो हम जानते हैं यूएसए ड्रामेटिक फिनिश काफी करता है, यूएसए कभी क्लीन विन बहुत ही कम जीतता है, ड्रामा ज्यादा होता है उनके विन में, तो यहाँ पर भी ये देखने को मिला। लास्ट के लोअर ऑर्डर में हड़बड़ी मची, एरॉन जॉन जैसे आउट हुए, उसके बाद विकेट का पंचर चालू हुआ लगातार 221 से लेकर उसके बाद धाम से 3 विकेट गिरे एकदम से 10-15 रन के अंदर अंदर। लेकिन गजानन सिंह ने थोड़ा सा पारी को आगे जरूर बढ़ाया, स्ट्राइक रेट थोड़ा ऊंचा किया, उन्होंने मारने की कोशिश की वो भी आउट हो गए। पर यहाँ पर एक इस बार अच्छा है कि चलिए इस बार कोई एक बैट्समैन था जिसने कम से कम एक जिम्मेदारी ली और वो थे जसकरण मल्होत्रा, जिन्होंने कहा चलिए मैं जिताता हूँ आज। और 50वें ओवर में जहाँ 15 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में साफियान शरीफ आए, पहली पे छक्का मारा उन्होंने, दूसरी बॉल डॉट गई, तीसरी पे चौका, फिर एज आया स्लिप से एक एज गया वो भी चौका चला गया, फिर पांचवी बॉल पे एक सिंगल लिया, तब जाकर जीत मिली 49.5 ओवर में जहां 74 रन बने और 4 विकेट गिरे हैं। यहाँ पर तो ड्रामा देखिए आप किस हद तक हुआ है यूएसए के लिए, जबकि अच्छा खासा फेस गया था मिडिल का, उसके बावजूद आखिरी ओवर तक गया मैच, ये थोड़ा अजीब। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हम वो जो प्लेयर की हम बात कर रहे थे वो जसकरण मल्होत्रा की हम बात कर रहे थे, इनकंसिस्टेंसी उनके साथ बहुत रहती है लेकिन फिर भी इस तरह के मैचेस और इस तरह की सिचुएशंस के लिए वो बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, और ये उन्होंने कल फिर से करके दिखाया और कहीं ना कहीं दिखाया कि इस तरह की सिचुएशन अगर आती है तो मेरे पास वो एबिलिटी है कि मैं मैच को फिनिश कर सकता हूँ। एक ओवर 15 रन की बजाय उन्होंने 5 बॉलों में ही 15 रन बना डाले, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात टीम के लिए जरूर हो जाती है। गजानन सिंह ने भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर दिया और
दोनों की वजह से कहीं ना कहीं जो एंड में जो जिस चीज़ की जरूरत थी वो थोड़ा बहुत डकार हो गई थी, उसके बावजूद भी यूएसए फिनिश करने में कामयाब रहा। तो ये पूरा मैच रहा है अगर हम बात करें यूएसए वर्सेज स्कॉटलैंड मैच की। एंड स्कॉटलैंड की बॉलिंग को आप क्या देख रहे हैं, कहाँ पर थोड़ी कमी रहे? नहीं, जरूर बॉलिंग में थोड़ी कमी तो जरूर रही है मिड फेस में, जहाँ पर आपके सिर्फ तीन ही विकेट गिरा पाए आप यूएसए के, वहाँ जरूर प्रॉब्लम नजर आई बॉलिंग में स्कॉटलैंड के। वहाँ विकेट लेने चाहिए थे क्योंकि वो चेस कर रहे हैं और जितने विकेट वो गिरेंगे उतना वो प्रेशर में आएंगे, डॉट बॉल्स खेलेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने बहुत बेहतरीन बैटिंग का मुआयना दिखाया, खासकर मोनांक और एरॉन ने ज़बरदस्त बैटिंग की, और हमजा ताहिर ऑनली लोन बॉलर रहे जिनकी स्पेल बहुत अच्छा गया है, 37 रन देकर 2 विकेट लिए। लीस ने बहुत रन दिए, 10 ओवर में 61 रन 2 विकेट, बहुत ही खराब बॉलिंग, बाकी बॉलर से भी इतनी कोई मदद मिली नहीं। बिल्कुल, स्कॉटलैंड 6 पॉइंट्स कलेक्ट करने में कामयाब रहा, यूएसए 5 पॉइंट कलेक्ट करने में कामयाब रहा। अगर वो मैच नहीं धुलता तो शायद आप यूएसए को शायद आप नंबर वन पर सबसे ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करते हुए देख सकते थे स्कॉटलैंड के साथ साथ, क्योंकि अगर वो मैच जीत जाते। ओवरऑल इस एनालिसिस में इतना ही, बने रहिए गलती चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और प्लीज एफर्ट करिए हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए। थोड़ी सी तबीयत जैसे खराब है आपको खुद ही दिख रहा होगा, तो प्लीज एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर आप करते हुए जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और काफी इंटरेस्टिंग चीजें अब हो गई यूएसए की जीत के साथ, और राउंड क्लॉक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, देखना होगा अब क्या कुछ आगे होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड लेकर भी आपके सामने जरूर हाजिर होंगे बहुत ही जल्द।